हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत माता की जय, जय हिंद। तो परसों मैंने एक वीडियो डाला था एक स्कैमर के बारे में, उसके रिगार्डिंग ही ये दूसरा वीडियो है। तो उस दिन मैंने बताया था कि कैसे वो फेक वेबसाइट ऑपरेट कर रहा है, वो बंदा जहाँ पे उसने लोकेशन वोकेशन नहीं दिया है कुछ भी अपना। तो वो वीडियो आने के बाद उस दिन दो काम उस स्कैमर ने किया। पहला काम, उसने अपना साइट को अपडेट किया, वहाँ पे लोकेशन डाला बिल्कुल जैसे मैंने मोबाइल में बोला था, मैप से, गूगल मैप से वैसे ही उसने डाला। दूसरा बात, उसने जिस बंदे ने मुझे कंप्लेन किया था उसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार से, उस बंदे को उसने फ़ोन करके बोला कि तुझे देख लूँगा और तूने जो किया तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसने मुझे कंप्लेन किया था उस बंदे ने, तो इसको ये पसंद नहीं आया जो स्कैमर है। तो स्कैमर ने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला उसी दिन रात को 24 तारीख को कि तूने जो किया ये अच्छा नहीं किया और तुझे मैं देख लूँगा, ऐसा ऐसा बोला उसको। तो उसका कॉल आया था मेरे पास कल, मैं सब कुछ डाल लूँगा, आप लोग सुनिएगा उस कॉल को। उसके बाद उसने साइट को भी अपडेट किया अपना, जो वेबसाइट था, जो फेक वेबसाइट, उसको उसने अपडेट किया, उसमें उसने अपना एड्रेस डाला मैप से। तो ये दो काम उसने किया। एक काम करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को वो जो अंडमान निकोबार वाला बंदा था ना, जो उसने कॉल किया था हम लोगों को, पहला कॉल रिकॉर्डिंग में आपको वही सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा क्या हुआ उसके साथ। सीरियल वाइज मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, पहले उस बंदे का कॉल आया हम लोग के पास, वो सुनिए आप पहले। सर हम बोलो क्या सीन, आपका दोस्त है सर, हम देखा है आपका साथ बात किया, छः महीना हो गया, हम 4,300 रुपये दिया था सर, रेड डोर लेगा, तो अभी तक सर पैसा नहीं दिया, 2000 दिया 2000 नहीं दिया सर, मेरे को पूरा घुमाता सर, किसको भरोसा करेंगे सर पैसा देने के बाद में सर। मेरे कस्टमर के साथ तो ऐसा, मतलब जो जिन्होंने हमसे लिया है, हमने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, उन्होंने गलत किया आपके साथ जी सर। उसका उसका तो सर आपका दोस्त है ना सर, वो आपका साथ बात करती नहीं? मेरे दोस्त नहीं है, पहले था दोस्त, अब नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही करने लगा था लोगों के साथ फ्रॉड जैसे आपके साथ किया, तब से हमने उसका साथ छोड़ दिया बिल्कुल। ठीक है, हमारा काम अपना अलग है अब सर। हम गरीब है सर, मेहनत करके पैसा दिया सर, आप थोड़ा सा बोलिए ना सर, थोड़ा सा। कोई नहीं, कोई नहीं, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा और आपके लिए पूरी हेल्प मिलेगी लोगों से। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर भी आप बता दीजिए, वो लोग यूट्यूब पर सारे सुन पाएंगे आपकी ऑडियो। सर पैसा 2000 दिया और बोला और 2000 दे देंगे सर, इतना पैसा है उसका पास, बोलता मेरा पास पैसा नहीं है, हम बार बार बोलता सर हम गरीब है, मेहनत करके आपको पैसा दिया, पैसा लेने का पहले सर मीठी मीठी बात करके मेरे पास से लिया सर, पिन कोड दिया, बोलता सामान नहीं जाएगा, हम ठीक है सर आप मेरा पैसा दे दीजिए, आप कल ठीक है दे दूंगा सर, फोन करने से फोन भी नहीं उठाता। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मनोरंजन मंडल सर, इसमें केस मेस नहीं होएगा ना सर। और अपना मोबाइल नंबर और बोल दीजिए, कुछ सब्सक्राइबर का आपके पास कॉल आएगा तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है सर, सुनिए सर, इसमें कोई केस, पुलिस केस नहीं होएगा ना सर? पुलिस केस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ना ही आप पुलिस केस करना किसी पे, अच्छी बात नहीं, वैसे ही पैसा दे देगा, आप अपना मोबाइल नंबर और बोल दो। तो 24 तारीख को मेरा रिकॉर्डिंग जो सुना है आपने, ये 24 तारीख का है, 24 जनवरी इसी महीने का, परसों का। तो 25 को कल, मतलब लास्ट कल 25 जनवरी 2024 को स्कैमर ने उस बंदे को, अंडमान निकोबार वाले बंदे को फ़ोन किया, फ़ोन करके उसको बोला कि तुमने जो किया, मतलब उसने मेरे को बोला, कंप्लेन दिया बोल के, उसको अच्छा नहीं लगा ये बात स्कैमर को, तो स्कैमर ने उसको बोला कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया,
तुम्हें मैं देख लूँगा। ये बात मुझे उस आदमी ने कल फ़ोन करके बोला, ऐसा ऐसा हुआ है भाई मेरे साथ। तो वो रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुनाता हूँ, वो भी सुनिए आप लोग। कल रात में मेरे को फोन किया, हम देखते ना हैरान हाँ हो गया। फिर वो क्या बोला रात को, मेरे को बोलता आप जो काम किया सही नहीं किया। हम बोला सर आपको 3 महीना हो गया, हम पैसे दिया। हम बोला सर मेरे को हक है मेरा पैसा लेने का। आप बिल्कुल बिल्कुल, 3 महीना आपको हक হ্যাঁ স্যার আমাকে ফোন করতে, আমি এতদিন কুত্তার মতো কুকুরের মতন স্যার আমি ওর পিছিয়ে ঘুরছি, আমি ফোন করি ফোন উঠায় না স্যার। কালকে রাত্রে আমাকে ফোন করতে, আমি বুঝে বলছি স্যার আপনি কিছু বলছেন, তাহলে আমাকে ফোন করে না, ফোন করা খেলেই না স্যার। ও ও মেরে কো বলা হাম স্যার, ও বলতা কে বলতা মানে না বলতা ও হাম দেখ লেগা। হাম বলা স্যার আপ আপ ক্যা দেখে, হাম ওই বলা স্যার মেরা পয়সা হাম মেরে কো দি দিয়ে স্যার, হাম মেহনত কা পয়সা হ্যায় স্যার, আপ বলা থা হ্যাঁ ও পৌঁছ জায়েগা, पिन कोड दीजिए काल ही भेज देगा सर। 3 महीना से 4 महीना हो गया, अभी तक 2,000 रुपया दिया, 2,000 रुपया नहीं दे सकता सर। आप उससे कितना पैसा नहीं बात सर, सर हम 4,300 रुपये दिया, 2,000 दे दिया सच बोलता सर, और 2,300 300 देगा। तो कब देगा पता नहीं, बोला देगा कल, कल रात में बोला आज नहीं, आज नहीं कल देगा बोला। तो कल हम फोन फोन करेगा ठीक। तो आज 26 जनवरी है, आज मैं ये वीडियो बना ही रहा था डालने के लिए यूट्यूब में, और मैं डाल भी दूंगा इसे यूट्यूब में। मुझे मालूम नहीं कि मैं इसे प्राइवेट करूंगा कि पब्लिक करूंगा ये, लेकिन मैं इसको यूट्यूब में अपलोड तो ज़रूर करने वाला हूँ। और ये वीडियो मुझे एडिटिंग करते वक्त ही मुझे उस बंदे का कॉल आया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कि मुझे मेरा पैसा मिल गया है, अभी थोड़ा देर पहले मुझे पैसा दे दिया है, और मेरे को बोला है कि अगर ये वीडियो आया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। मतलब उस बंदे को उसने डराया है, स्कैमर ने, कि वीडियो निकल गया क्योंकि मैंने तो तुम्हारा पैसा दे दिया। 3 महीने तक उसको चतवाने के बाद, अभी 2-3 महीने उसको चतवाने के बाद अभी पैसा वापस किया उसको, 2,300 रुपीज़ जो उसको मिलता था उस स्कैमर से। उसके बाद उसको बोल रहा है स्कैमर कि अब अगर तुमने मेरा खिलाफ़ कुछ भी बोला तो तुम्हें मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो वो काफ़ी डरा हुआ था वो बंदा, तो उसने मुझे बोला कि आप वीडियो मत डालिए, वीडियो मत। मैंने तो उसको बोला मैं वीडियो डालूंगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब में, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसे प्राइवेट भी करूंगा या पब्लिक भी करूंगा, दैट इज़ अपन मी। मैं इससे हो सकता है मैं पब्लिक भी कर दूँ आप लोग को देखने के लिए, लेकिन आज 26 तारीख को उस बंदे को 3 महीने के बाद, फिलहाल 3 महीने के बाद उसे पैसा मिल गया है। इतना मतलब ये करने के बाद वो बंगाली में वो बंदा मुझे बोल रहा था कि कुत्ता जैसा मेरे को डराया। आप लोग को वो ऑडियो क्लिप सुनोगे तो वहाँ पे जिस जिसको बंगाली नहीं आता है, आई एम ट्रांसलेटिंग फॉर देम, कि वो बोल रहा कि कुत्ता जैसा मेरे को चतवाया, और उसके बाद 3 महीना बाद मुझे फाइनली आज पैसा मिला आपकी वजह से, थैंक यू। उसका कॉल आया मेरे पास, अभी मैं वो भी डाल रहा हूँ, वो कॉल भी मैं डाल रहा हूँ। नहीं है वो तो उसमें, आप उसका नाम नहीं लूंगा, मैं चिंता मत कीजिए उसका नाम मैं नहीं लूंगा ठीक है। आप उसको कुछ मत बोलिए, अभी सुनिए, उसका फोन आने से आप फोन मत उठाइए, सीधा बात है, आपको पैसा मिल गया ना। जी सर, सर वो क्या बोला मालूम है सर, क्या बोला? बोला आपको पैसा तो आप दे दिया, अभी उन लोग मेरे बारे में वॉइस रिकॉर्ड वीडियो डालेगा तो आपका नाम पे तो केस करेगा। कौन करेगा? वो करेगा। हाँ ठीक है, कहीं ना दीजिए उसको, वो झूठ बोला है आपको, वो डरा रहा है, मत डरिए, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं देखिए कर बाबू, सकते। देखिए बाबू हम मेरे बारे में बोलते हैं बाबू, देखिए हम लोग 6 बजे से 2 बजे काम करते हैं बाबू। अरे आपका हम मतलब केस करेगा, वो आपसे डरा रहा है आपको, आप डर गया, वो आपका पैसा मारा हुआ था, आपका पैसा दे दिया, हम ये भी बोल लेगा वीडियो में ठीक है, हम बोल लेगा कि पैसा दे दिया अभी। बाबू पैसा हम पैसा दे दिया, बराबर पैसा हो दे दिया, हम बहुत बहुत खुश हुए बाबू आपको। ठीक है, थैंक यू, चलिए ठीक है, थैंक यू बाबू। अच्छा तो मैं ये वीडियो एडिट कर ही रहा था तभी मेरे को अभी इस बंदे का कॉल आया अंडमान निकोबार आइलैंड से कि मेरा पैसा मुझे मिल गया है और मुझे दे दिया है। तो
तो फाइनली 3 महीना उसको चतवाने के बाद पैसा उसको स्कैमर ने दे दिया है और उसे रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो मत डालने बोलिए मेरा, और ये सब बोल के उसको 2,300 रुपीस जो उसको मिलता था उसने उसको दे दिया आज एज ऑफ नाउ 26 जनवरी 2024 को रिपब्लिक डे के दिन उसे पैसा दे दिया है। तो बंगाली में भी वो आदमी मुझे बोल रहा था कॉल रिकॉर्डिंग में, आप जिस इसको बंगाली नहीं आता है, कि कुत्ते जैसा मेरे को चतवाया उसने, कुत्ते जैसा मेरे को दौड़ाया 2-3 महीने तक। उसके बाद मेरे को अभी फाइनली मेरा पैसा 2,300 रुपया जो मुझे मिला, मतलब मैं जो पैसा मुझे मिलना चाहिए था उससे, अभी आज फाइनली जाके वो पैसा मुझे मिला है। तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी डाल लूँगा, वो लोग वो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए आप। तो ये ख़त्म हो गया, केस शुरू भी हुआ था ख़त्म भी हो गया। ये अंडमान निकोबार वाला का केस था और बहुत सारे केसेस है ऐसा। तो मैं पूरा बनाऊंगा तो एक मूवी बन जाएगा, तो मैं फ़िलहाल इसको ही डालता हूँ यूट्यूब में, आप लोग देखिए इसको, इसको देखिए और इस वीडियो से आप लोग एक सीख लीजिए कि किसको विश्वास करना है, किसको विश्वास नहीं करना है, किसको भरोसा करना है। क्योंकि चोर लुटेरे सारे जगह आजकल मतलब भर चुके हैं, चांस मिलते ही आपके साथ स्कैम कर डालेगा स्कैमर लोग। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देख के एक सीख लीजिए कि हम लोगों उसको कहाँ पैसा डालना है, कहाँ नहीं डालना है, कौन भरोसे करने लायक है, कौन नहीं है। ये मैं इसीलिए डाल रहा हूँ, इतना मेहनत मैं इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू सबको, दिल से शुक्रिया, और सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।